妹妹嗨，嗨，嗨，बोलो बोलो हाय हाय अच्छा अब बोलो प्लीज लाइक प्लीज लाइक प्लीज लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब सब सब्सक्राइब सब लाइक सब्सक्राइब इसको देखो कितना अच्छे से बैठ रहे हैं ये वाले वाले ये जो कि वो क्या कहते हैं गार्लिक की तरह दिख रहा है जो कि दादा ने सोचा कि कोई मेडिसिन हुआ है नहीं नहीं मैंने वो कहा कि वो है गार्लिक है इवन ने कहा कि कोई मेडिसिन हाँ तो मैंने कल नहीं परसों दिए थे उन्होंने मेरे को ये तो मैंने परसों क्या किया था इसको एक ही में ये सारे के सारे मैंने एक में उगा दिए थे मैंने कहा जब ये उगेंगे तो फिर मैं इनको प्लांट को अलग अलग कर दूंगी बट उन्होंने कहा कि ये अलग नहीं होंगे एक बार जहाँ उगे वहीं उगने ग्रेस दिख रही है तो मैं इनको आज फिर से कर दूँ दोबारा से मैं इनको लगा सिंगी तो इसमें मैंने फिर भी बड़े गमले में तीन लगा लिए पता नहीं कैसे पौधे होते बड़े पौधे होते छोटे पौधे होते फूल तो बड़े 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 होते हैं इसके बीज तो बीज अभी मेरे को मिले हैं ये तो अब मैं इनको उगा रही हूँ ना उगाऊंगी मैं इनको जब उग जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसे लगते हैं ये बैकग्राउंड में ग्रेस और सिंगी की आवाज़ें सुन लो वही तो ये ना ऐसे बदमाश है हमारे डॉगी इनको रहना है खुला अभी हम इनको खुला छोड़ नहीं सकते क्योंकि ममता आई हुई है और ये लोग ममता को भी काटते हैं सिंगी काटते हैं ग्रेस नहीं काटती है ममता को भी नहीं छोड़ते लोग ऐसे लगा लो बाकी तो अननोन पर्सन को तो क्या ही छोड़ेंगे ममता जो रोज आती ना तो पहले वाली बाई को भी कौन सा बख्शते थे हाँ ये भी जो पहले आती थी उसको भी नहीं छोड़ते थे ममता को तो क्या ही छोड़ना इन्होंने तो ये लोग का ये ड्रामा है इनका अब मैं इनमें ना बोला पानी कम डालना तो मैं इनको पानी कम डाल के उठा के ऊपर रख दूंगी तब इनमें पानी एक बार डाल दूंगी अभी इसके बाद निकल डाले थे ना इतना अच्छा होता मुझे लगा था उगी गया बड़े सेटल हो गए थे वो पौधे एक बल्लब अब इसमें चार और बचे हुए इनको मैं कहाँ पे डालूं मालिक ये मतलब ध्यान से देखो ये गार्लिक नहीं लग रहा है तो ये ना इस तरह से मैंने गमले तैयार कर दिए हैं तो ये मेरे हो गए हैं इतने गमले अब आधे खिलेंगे ना तो बड़े सुंदर लगेंगे मुझे अच्छा पसंद है ये वाला आपके बर्थडे में ज्यादा हो गया तो तोड़ के फ्लावर पॉट में डाल के रख देना सिंगी को तो अब अभी भी नहीं पकड़ रहा है मुझे एलर्जी भी है मेरे हाथ ना भी तो ठीक है पता नहीं क्या होता है मेरे हाथों का मेरे पास ग्लव्स भी वो किचन ग्लव्स है तो मैंने यूज नहीं करे चलिए देखते हैं मैं इतनी मेहनत से उगा तो रही हूँ उगेंगे नहीं उगेंगे पता नहीं उगेंगे व्हाट यू थिंक जो होगा होगा मुझे नहीं पता एक में दो क्यों डाल रहे हो मैं इसमें तीन डाल देती हूँ मेरे पास यार प्लांट्स मेरे पास ना ये नहीं है पॉट्स नहीं है मेरे पास एक्चुअली ये पौधे मुझे इसलिए पसंद है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है इसमें जो खिद्दर में ये जो नहीं है क्या कहते हैं इसको गुड्डल का जो है आज होगा कल को खत्म हो जाता मुझे ऐसे पौधे नहीं पसंद है मुझे पौधे पसंद है जो फूल भी मुझे ऐसे पसंद है जो लॉन्ग लास्टिंग हो मुझे हर पौधा आज रेंजल का मौसम भी खराब है वही तो मौसम भी खराब हो रहा है पर इसमें पौधा अच्छा है दादा दादा की वीडियो देखना पानी की खतरनाक बनी हुई नहीं अपने काम में लगी होगी अभी नहीं मैं काम में मेरी तरफ घुमाया हुआ है बस अपने खुद का उसमें लगी पड़ी है अरे नहीं नहीं ये देखिए ये हो गए मेरे सारे गमले तैयार इनमें मैंने डाल दिए सारे बल्लभ मैंने क्या बीजे इसको जो मुझे मिले थे कल जिनको पाके में बहुत खुश हुई थी और ये गमले एक कल जो एक गमले में भरा हुआ था आज वो एक दो तीन चार पाँच छह सात ये देखो मेरे जो गमलों के हाल है ना बताओ किसने किए थे लास्ट ईयर जो माली बुलाया था उसने तोड़े गमले अरे हाँ मेरे सारे गमले पटक पटक के सारे फूल उसने तोड़े पता नहीं किस जन्म का बदला उसने मेरे फूलों से लिया मेरे सारे गमले तोड़ गया वो माली वो गमला खाली करके फेंक रहा था पीछे अभी तक आपके हाथ में छुपा नहीं है सही तो बाप रे वैसी एलर्जी है मुझे उसके ऊपर से कहाँ छुप जाता तो बस फिर पौधे बड़े मुरझाए से है बेचारे ये पता नहीं क्या हो गया उनको मुरझा जाते हैं यहाँ पे तो ठंडी में ना पौधों का ये हाल हो जाता है देखो ये एक पत्ता तो पूरा ही सूख गया इसका ये तो पूरा ही सूख गया है मुरझा गया है यहाँ पे पता नहीं उगते नहीं है ये देखो ये भी सूखने लग गया ठंड की वजह से पता नहीं किस वजह से है ना नहीं उगते ये पौधे यहाँ पे तो अब बाद में मिलाऊंगी वापस से उगे हुए पौधे उनके पास से बाद में अभी नहीं समर्स के टाइम मिलाऊंगी तो जड़े अच्छे से मजबूत हो जाएंगे तो शायद ना सूखे ना क्योंकि मनी प्लांट भी विंटर्स में अगर जड़े मजबूत हो जाएं तो नहीं सूखते पूरे जड़ से ही थे ये जड़ के साथ ही उगाए हैं मैंने ये भी और ये भी फिर भी सूख गए ये तो मेरा पुराना ये इलाहाबाद से बहुत साल पहले लाया था तो चल ही रहा है इलाहाबाद के मेरे बहुत सारे पौधे तो सूख ही गए गर्मियों के पौधे ना सूख जाते हैं यहाँ पे नहीं टिकते हैं मेरे यहाँ पे ये तो आज मैं बहुत दिनों के बाद इधर को आई थी कॉल करने के लिए तो मैं पौधे दिखाने लगी फिर आप लोगों को ये देखिए ये तो सिनेरिया का पौधा एक उगा हुआ है इसमें
सिनेरिया है, सिनेरिया पहले मेरे इतने सारे कलर्स थे ना, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे सिनेरिया के। ये भी देखिए ये भी पूरा सूख गया, ये तो क्या सूखना ही था, इसमें तो जड़ ही नहीं थी ना। तो मैंने गार्डनिंग खत्म करने के बाद ना फिर आई थी मैं खाना बनाने के लिए। काली दाल नहीं बेटा, भटकी चुटकानी, भटकी दाल होती है। तो मैंने आज हाँ भटकी चुटकानी बनाई है, तो इस तरह से बनी है। कुछ दिखने में तो अच्छी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसे। नहीं खाई अभी तुमने? हाँ बिहार में नहीं बनता ना ये, पहाड़ में बनता है, पहाड़ी दाल है ये ना। हाँ ये पहाड़ी दाल है। तो छोटू गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आज अपने किचन में। देखिए मेरे सर में ना तेल लगा रखा है बहुत बहुत ही ज़्यादा, मैंने सर धोया नहीं, नहीं मतलब मैं आज एक्चुअली मैंने नहाना भी था तो मैं नहीं, नहीं मुझे टाइम नहीं लगा। तो चम्पू रखी हुई पूरी की पूरी। तो आज ना मैं डिनर हमारा स्पेशल बन रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ आज। मतलब ये देखिए ये है मोमो का जो है ना उसका स्टफ मैंने जो तैयार किया था, ये मोमो का स्टफ है। अच्छा दिख रहा है ना, यम्मी यम्मी से। थोड़ा सा हरा प्याज कम हो गया, हरा प्याज ना कल मैं लाई थी, कल नहीं परसों दो तीन दिन पहले लाई थी, आधा किलो लाई थी मैं। तो आज अचानक से बन गया प्रोग्राम मोमो बनाने का। तो अभी शाम को ही मैंने सारी तैयारी की है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं आज ना सुबह से मतलब बिजी रही हूँ मैं घर में, पहले फूल पौधे ये वो सो करके फिर लंच वंच बनाया, उसके बाद में फिर मोमोज की तैयारी में लगी। ये पनीर का स्टफ़ है जो मटन नहीं खाता उनके लिए पनीर है, पनीर मोमोज। और ये है नॉन वेज मटन मोमोज। और ये मैंने मैदा तैयार करके रख दिया गूंद के बहुत अच्छे तरीके से, टाइट सा गूंदा हुआ मैदा बहुत बढ़िया से। और ये मैं बना रही हूँ मीठे में सूजी के पोहे टाइप के ना, मीठा मैंने कुछ बनाया नहीं तो मैंने कहा जल्दीबाजी में क्या बनाऊँ, तो मैंने सूजी के पोहे टाइप के ये तैयार किए हुए, तो मैं ये बना रही हूँ मीठे में। तो चलिए बनाते हैं मोमोज। ईवी और आनी मोमोज बना रहे हैं और आनी का बाल बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मोटे मोटे बाल, मेरे से मोटा बाल तो आनी का है, मेरे से ज्यादा तो आपका बाल अच्छा है। वही तो आमा आ गई है बनाने में, प्रोसेस में। ईवी बेल रही है, आनी गोले बना रही है, आनी को भी कच्चा खा लूंगी। ये हो गया मेरा हरा भरा सूप रेडी टू सर्व, रेडी टू सर्व सूप। हम इसको बॉल्स में डालेंगे और पियेंगे। देखिए कैसे उबल रहा है, ये ठंडी में गरम गरम सूप का मज़ा ही कुछ और है भाई, सीरियसली। थोड़ा मैं धीरे धीरे ही बोलूँ, मेरे को जोर से ना बोलने का एक्चुअली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा।